आज जैसे जैसे अमित शाह धारा 370 आर्टिकल 35 ए को लेकर राज्यसभा में बोल रहे थे, वैसे वैसे वो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी सपना पूरा कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था अपनी टीम के साथ मिलकर, और उन्होंने उसको पास भी करवाया था, और संविधान के पास होने के बाद ही ये आर्टिकल 370 उसमें जोड़ा गया था, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 दोनों के खिलाफ थे। उनका कहना था कि किसी एक राज्य को विशेष राज्य कैसे मान सकते हैं, फिर तो हर राज्य इसकी वकालत करेगा। जब हमने संविधान में पूरे भारत को एक समान पिरोया है, पिछड़ों को बराबरों अगड़ों की बराबरी के पर लाने के लिए आरक्षण दिया है, और जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनके लिए ज़्यादा सोचा है, फिर आप किसी एक राज्य को इतना ज़्यादा विशेष कैसे दे सकते हैं। उनका मानना था कि ऐसे जगह के रूप में कोई भी आगे या पीछे नहीं हो सकता, और किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को मना लिया था, और उसमें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक न चली। इसके अलावा वो 35 ए के भी खिलाफ थे, लेकिन आज अमित शाह जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आत्मा भी ऊपर से खुश हो रही होगी, और उनको अब अपना बनाया हुआ संविधान मुकम्मल लगने लगा होगा। हालांकि उनका भी एक और सपना बाकी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी संविधान में लागू करना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उस वक्त नहीं होने दिया, क्योंकि पंडित नेहरू बिल्कुल भी किसी धर्म के प्रति नाराजगी व्यक्त नहीं करना चाहते थे, और हिंदू कोड बिल भी वो उसी संविधान में लाना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू ने नहीं लाने दिया। और इसका बाबा साहेब अम्बेडकर ने विरोध किया था, और कहा था कि हिंदू कोड बिल इस देश में क्यों ना लाया जाए जब बहुसंख्यक हिंदू है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना लाया जाए, क्यों हम किसी एक धर्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दें। दरअसल मैं विकिपीडिया पर भी बाबा साहेब का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ थे और हिंदू कोड बिल के भी साथ थे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने इन छोटी छोटी बातों पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ना सुनी, और ऐसा लगता है कि उस वक्त भीमराव अम्बेडकर जी ने दूरगामी सोच रखी थी, और उन्होंने दूर के भारत को देख लिया था। और आज ये दोनों बिल भी इंडिया के सामने काफ़ी ज़्यादा नासूर की तरह चुपते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएगी और हिंदू कोड बिल को भी लाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।